बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का दिन है मेरे लिए बहुत स्पेशल। स्पेशल इसलिए है क्योंकि मेरी आई हुई है सिस्टर मेरे पास रहने के लिए वेस्ट ब्रॉमविच से, और हम दोनों मिलकर निकले हैं आज स्टेटफर्ड रोड। मौसम थोड़ा सा रेनी है लेकिन स्टिल वी डिसाइडेड टू हैव सम एडवेंचर। तो जनाब हमने बुलाई ऊबर बिकॉज गाड़ी जो थी वो हस्बैंड के पास थी, और ऊबर पे आए हम स्टेटफर्ड रोड। मेरे सिस्टर के घर के पास कोई ऐसी देसी मार्केट नहीं है, इसलिए वो जब भी यहाँ पर आती हैं तो थोड़ा सा टाइम इस तरह से मैनेज करती हैं कि वो यहाँ से आके अपनी चीज़ें वीज़ें भी जो है वो ले सकें। तो आज मेनली हमारा जो प्लान था वो था पॉलर का, और पॉलर गए, पॉलर में जाके थोड़ी सी सर्विसेज ली, और उसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी बिकॉज इट वॉजेंट अलाउड। बस यहाँ से बाहर निकले तो साथ ही थी एक देसी क्लोथिंग शॉप, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको भी विज़िट कर लिया जाए। ये स्टेटफर्ड रोड की क्वाइट फेमस शॉप है जिसका नाम है फरीद हुसैन, और यहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक बिल्कुल एशियन स्टाइल क्लोथिंग आपको मिल जाती है, चाहे वो कैजुअल वेयर हो चाहे वो पार्टी वेयर हो, और आई थिंक दे डू ब्राइडल वेयर एज वेल। ये देखिए ये सामने बिल्कुल एक पार्टी वेयर लगा हुआ है और इसमें डिफरेंट साइजेस भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर चॉइसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन आपको जो है वो ब्राइडल वेयर और पार्टी वेयर जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर ये कुछ ड्रेसेस जो हैं वो वेलवेट में लगे हुए हैं और कुछ जो है पार्टी वेयर वो शिफॉन में है। मुझे पर्सनली पार्टी वेयर जो है वो प्योर शिफॉन में अच्छे लगते हैं। यहाँ पर इन ड्रेसेस के साथ गरारा भी था और स्ट्रेट ट्राउजर्स भी थे। इट्स योर चॉइस कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना। और इनके प्राइसेस आई थिंक ये थ्री पीस जो है वो 45 pounds का था। इस शॉप पे जो है मोस्टली सेल लगी ही रहती है, और अभी भी इसके जो कैजुअल वेयर है यहाँ पर सेल लगी हुई थी। साइजेस की बात की जाए तो यहाँ पर मोस्टली आर्टिकल्स में जो है वो स्मॉल से लेकर एक्सल तक सभी साइजेस अवेलेबल थे। और ये देखें ये सूट्स जो 60 pounds के थे ये 50% ऑफ पे 30 pounds के लगे हुए हैं थ्री पीस। तो जी आज हमने बाय तो कुछ नहीं करना था, आज तो बस विंडो शॉपिंग हो रही थी। और कुछ कपड़े मुझे अच्छे लगे यहाँ पर, मोस्टली स्टफ जो है यहाँ पर एम्ब्रॉयडर्ड लगा हुआ था, और ईद वगैरह के लिए भी यहाँ से इजीली कपड़े लिए जा सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली जो है वो ईद पार्टीज पे लोग बहुत ही ज़्यादा फैंसी कपड़े पहनते हैं, बिकॉज नॉर्मली ऐसा मौका नहीं होता यहाँ पर कि अपने जो है काम वाले कपड़े या फिर फैंसी क्लोथिंग जो है वो यूज़ की जाए, इसलिए लोग जो है वो ज़्यादा फैंसी कपड़े ईद वगैरह पे लेना पसंद करते हैं। और जी बड़ों के साथ साथ यहाँ पर छोटे बेबीज़ की भी जो है वो वैरायटी अवेलेबल है। तो जी ये ड्रेस जो है ये इन्होंने हमें दिखाया फैब्रिक चेक करवाने के लिए, लेकिन इसका जो काम है वो मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के बाद हमें ऐसे फैब्रिक्स जो हैं और ऐसे कपड़े लेने चाहिए जो हमारे बच्चों को भी परेशान ना करें जब हम उनके उठाएं, तो स्पेशली जब आपके बच्चे छोटे हों। तो ये देखें ये भी बच्चों के जो कपड़े हैं ये सेल पर हैं, जो कि ओरिजिनली 40 pounds के थे लेकिन सेल पे 20 pounds के लगे हुए हैं। ये देखें ये कितना वाइब्रेंट सा येलो कलर है जो किसी की माइयों में पहन के भी अच्छा लगेगा, और कुछ ये समरी कलर्स भी लगे हुए हैं जो कि बहुत कूल कूल सॉफ्ट कलर्स हैं। तो जनाब ये जो है ये इनका फॉर्मल वेयर सेक्शन है, और जहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे थे, थोड़े से एक्सपेंसिव थे
लेकिन बहुत अच्छे थे और इन पे भी कुछ आर्टिकल्स पे सेल लगी हुई थी। इनके पास प्योर शिफोन के कपड़े भी अवेलेबल थे जो कि अनस्टिच थे, और हम उनको लेकर जो है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली स्टिच करवा सकते हैं। इन चीज़ों की शॉपिंग का तो पाकिस्तान में अपना ही मज़ा है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर इन चीज़ों को देख के एक जो हमारा चस्का है वो तो पूरा हो ही जाता है। तो बस ये हमने की विंडो शॉपिंग, और यहाँ से निकले हम बाहर। बाहर निकले तो देखा बारिश जो है अपना रंग दिखा चुकी थी। मेरे हस्बैंड का ऑफिस जो है वो पास ही था, तो उन्होंने हमें किया पिक और हम चले घर की तरफ। तो जी ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।